क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। पता नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईक्यू 9 एससी वर्सेस वीवो X70 प्रो प्लस 5G के बारे में। वैसे तो दोनों ही फोन्स वीवो के ही हैं, और अगर आप gsmarina.com पे जाकर सर्च करोगे तो आईक्यू 9 एससी का पूरा नाम आपको वीवो आईक्यू 9 एससी के नाम से शो होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और क्योंकि दोनों ही फोन्स वीवो के हैं तो दोनों ही फोन्स में आपको सेम सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलेगा और दोनों के सर्विस सेंटर भी सेम ही है। बट एक मजेदार बात, दोनों ही स्मार्टफोन्स के बीच में आपको 50,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। और 50,000 में आप एक नया फोन नहीं आईफोन परचेस कर सकते हो। अच्छा, खैर हम यहाँ पे वीवो का मजाक उड़ाने नहीं आए हैं, बल्कि ये जानने आए हैं कि वाकई में क्या इन दोनों फोन्स के बीच में इतना बड़ा वाला डिफरेंस है कि आपको एक्स्ट्रा आईफोन 12 लेकर वीवो X70 प्रो प्लस की तरफ जाना चाहिए। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे, और हर एक पॉइंट के एंड में हम इनको पॉइंट्स देंगे, और जिस भी पॉइंट का पॉइंट एंड में सबसे ज्यादा होगा उसी पॉइंट को हम विनर घोषित करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। एंड नो डाउट वीवो का फोन स्टैंड आउट करता है, एंड एज यू नो वीवो एंड ओप्पो के फोन्स अपने डिजाइन की वजह से ही ऑफलाइन मार्केट में इतने ज्यादा फेमस हैं। एंड सिर्फ दिखने में ही नहीं, पकड़ने में भी वीवो का फोन ज्यादा प्रीमियम लगता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू 9 ऐसे थोड़ा कॉम्पैक्ट फोन है, इतना भी नहीं, मतलब अगर वीवो से कंपेयर करोगे तो ये आपको थोड़ा हल्का लगेगा, बट ये भी फोन 30,000 का है और 30,000 के सभी फोन हैवी होते हैं। ऑल्सो इस बार आईक्यू ने किसी पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन यूज करी है, एंड आई डोंट हैव एनी इशू विद इट। बट हाँ, इसकी साइड फ्रेमिंग प्लास्टिक की है, सो कीप दिस इन माइंड। सो यहाँ पे मैं आईक्यू को 8.5 पॉइंट्स देना चाहूंगा और वीवो X70 प्रो प्लस को 9.5 पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे एक्चुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि एक फ्लैगशिप किलर और एक फ्लैगशिप के बीच में होना चाहिए। बताता हूँ, आईक्यू 9 एससी में आपको 6.62 इंच की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 398 पिक्सल पर इंच एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एसजेड 10 प्लस सर्टिफिकेशन, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 84% एंड इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जा सकती है। कमाल के डिस्प्ले नहीं, बट वीवो का इससे ज्यादा बेटर है। 6.78 इंचेस LTPO एमोलेड, क्वाड एचडी रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 517 पिक्सल्स पर इंच, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड इसकी पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स तक जा सकती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आईक्यू को सिर्फ 8 पॉइंट्स दूंगा और वीवो X70 प्रो प्लस को 9.5 पॉइंट्स। अभी तक आपको यही लग रहा होगा कि वीवो तो जीत रहा है ना, बट अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस के बारे में। आईक्यू 9 एससी में आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है और वीवो X70 प्रो प्लस में भी आपको स्नैपड्रैगन 888 ही देखने को मिलता है, बट उसका प्लस वाला वर्जन। वैसे तो डे टू डे परफॉर्मेंस में दोनों ही इक्वल है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल गेमिंग आईक्यू इज फार फार बेटर देन वीवो। रीजन नंबर 1, आईक्यू हैज एमईएमसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ये 60 एफपीएस वाले गेम्स को 90 एफपीएस या फिर इवन 120 एफपीएस पे भी चला सकता है। स्टार्टिंग में ये वाला फीचर सिर्फ लिमिटेड गेम्स के लिए था, बट अब ये बहुत सारे गेम्स पे भी काम करने लगा है, विच इज अ ह्यूज एडवांटेज। रीजन नंबर 2, आईक्यू हैज प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले, मतलब आप अपने गेमिंग कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हो, एंड अगर आप उस एरिया पे नॉर्मल प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आप थोड़े जोर से प्रेस करोगे तो आपने जो भी की असाइन की होगी वो प्रेस हो जाएगी, चाहे वो फायर हो, स्कोप हो या फिर जंप हो। रीजन नंबर 3, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888। जैसा कि आपको पता हो कि लास्ट ईयर जितने भी फोन स्नैपड्रैगन 888 के साथ आए थे उसमें बहुत सारे हीटिंग इश्यूज देखने को मिलते थे, बट इस साल जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं, चाहे वो OnePlus 9RT हो या फिर आईक्यू 9 SE, दोनों ही फोन्स में पुराने वाले जो स्नैपड्रैगन 888 के फोन्स थे उनके मुकाबले बहुत ही कम हीटिंग इश्यूज देखने को मिले हैं। तो अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो आपको वीवो में देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल्सो वीवो में ऐसा कोई स्पेशल गेमिंग फीचर भी नहीं है कि मैं इसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूं। तो यहाँ पे मैं वीवो को सिर्फ 8 पॉइंट्स ही दूंगा और आईक्यू को 9.5 पॉइंट्स। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, मतलब दोनों ही फोन्स के स्कोर्स एकदम सिमिलर से ही है, जहाँ पे आईक्यू का स्कोर है 26 पॉइंट्स एंड वीवो का स्कोर है 27 पॉइंट्स। बट अब थोड़ा दूर जाओ भाई, अब हम बात करेंगे उस पॉइंट के ऊपर में जहां पे Vivo X70 Pro Plus इज फार 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 बेटर देन आईक्यू 9 एससी। कैमराज, तो आईक्यू 9 एससी में सेम आईक्यू 7 वाला कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल सोनी IMX598 विद F1.8 एपर्चर, जिसमें OIS भी है, एंड 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद F2.2 एपर्चर एंड 2 मेगापिक्सल रैंड। यार आई डोंट थिंक मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल आईक्यू 7 वॉज द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000। बेस्ट बैक कैमरा स्मार्टफोन, जी हाँ, फ्रंट के साइड में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप सिर्फ 1080p 30fps तक ही वीडियो शूट कर सकते हो। दूसरी तरफ वीवो का कैमरा सेटअप, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन इन द मार्केट राइट नाउ।
और फोटोज। वीडियोस के लिए तो आपको पता ही है। पहले तो इस फोन में क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल f1.6 एपर्चर, जिसमें लेजर ऑटो फोकस एंड ओआईएस है। अल्ट्रा वाइड है 48 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर के साथ, जिसमें कि गिम्बल ओआईएस दिया हुआ है। 12 मेगापिक्सल f1.6 50mm टेलीफोटो लेंस एंड इसमें भी ओआईएस है, प्लस 8 मेगापिक्सल 125mm 5x पेरिस्कोप और इसमें भी ओआईएस है। देखो डायरेक्टली बोलो तो कैमरा डिपार्टमेंट में इन दोनों फोन का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईकू के फोटोज खराब आते हैं, अपनी प्राइस रेंज में मतलब 30,000 की प्राइस रेंज में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन इन द मार्केट राइट नाउ। बट अगर आप इसको वीवो X70 Pro Plus से कंपेयर करोगे तो ये फिर फुस हो जाएगा। ऑल्सो वीवो में आपको फ्रंट की साइड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिससे आप 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हो। परफॉर्मेंस की बात कर ली, गेमिंग की बात कर ली, कैमरास की बात कर ली, क्या रह गया? बैटरी। तो आईकू 9 SE में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, विद सेम आईकू 7 वाली 66W की फास्ट चार्जिंग के साथ। देखो वैसे तो आईकू क्लेम करता है कि इनबॉक्स चार्जर से आप इस फोन को अंडर 22 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हो, बट जहां तक मैंने नोटिस किया है कि मेरे आईकू 7 को इनबॉक्स चार्जर से अराउंड 30 मिनट्स ही लगते थे, तो इस फोन को भी अराउंड उतना ही लगेंगे। वही दूसरी तरफ X70 Pro Plus में आपको सेम 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट ओनली 55W फास्ट चार्जिंग। आप सोच रहे हो कि महंगे फोन में कम फास्ट चार्जिंग क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि Vivo X70 Pro Plus में आपको 50W की फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है, जो कि iQOO 9 SE में नहीं है। बट iQOO के पास भी एक एडवांटेज है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले फुल HD प्लस है, वही Vivo की डिस्प्ले क्वाड HD है। मतलब अगर आप सेम वीडियो को iQOO में 1080p रेजोल्यूशन पे चलाओगे और उसी वीडियो को Vivo में 4K रेजोल्यूशन पे चलाओगे, तो iQOO में लेस बैटरी कंज्यूम होगी इन कंपैरिजन टू Vivo, और जितनी देर आप वीडियो चलाओगे उतना ही डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पे मैं iQOO को 9.5 पॉइंट्स देना चाहूंगा और Vivo को सिर्फ 9 पॉइंट्स, बिकॉज भले ही दोनों की बैटरी कैपेसिटी सेम है, बट iQOO की बैटरी ज्यादा चलेगी और फास्ट चार्जिंग भी बेटर है। ये तो हो गए बड़े बड़े पॉइंट्स। अब थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला है कनेक्टिविटी। iQOO में 8 5G बैंड्स है, वही Vivo में आपको 10 5G बैंड्स मिलते हैं। इससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला, बट मोर बैंड्स विल डेफिनेटली गिव यू सम एडवांटेज इन फ्यूचर। दूसरा पॉइंट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि गेमिंग फोन होने के बाद भी iQOO 9 SE में आपको USB 2.0 का सपोर्ट दिया हुआ है, वही एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन में मतलब Vivo X70 Pro Plus में USB 3.1 का सपोर्ट दिया है, which is really great. Also, दोनों ही फोन्स में Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.2 का भी सपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी के मामले में मैं iQOO को 8 पॉइंट्स दूंगा और Vivo को 9.5 पॉइंट्स। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। आई नो ये थोड़ा सा स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही फोन्स Vivo की साइड्स हैं और दोनों ही फोन्स में Vivo का फ्रंट टच OS ही देखने को मिलता है, which is based on latest Android 12. बट क्योंकि iQOO इज अ न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसको Vivo X70 Pro Plus के मुकाबले एक ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा, तो iQOO के लिए ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा और iQOO को 9.5 पॉइंट्स। ओके, तो कंपैरिजन होता है यहीं पे खत्म और वक्त है अब रिजल्ट्स का। तो iQOO 9 SE का टोटल स्कोर है 61.5 पॉइंट्स एंड Vivo X70 Pro Plus का स्कोर है 64.5 पॉइंट्स। नो डाउट Vivo X70 Pro Plus इज फार बेटर देन iQOO 9 SE, बट प्राइस को देखते हुए आई कैन डेफिनेटली से कि iQOO 9 SE इज अ लेजेंड फोन अंडर इट्स प्राइस रेंज, क्योंकि चाहे परफॉर्मेंस हो या फिर कैमराज हो या फिर गेमिंग हो, सभी में iQOO 9 SE इवन 50,000 के जो फोन आते हैं उनको भी कड़ी टक्कर दे रहा है। एंड आई रिमेम्बर कि ऐसा ही 7-8 साल पहले भी हुआ था, जब OnePlus मार्केट में आया था, एंड आई थिंक iQOO इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट OnePlus इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री, एंड आई मीन इट। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच आपको 50,000 एक्स्ट्रा लगाकर Vivo X70 Pro Plus की तरफ जाना चाहिए या फिर 50,000 सेव करके iQOO 9 SE की तरफ? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टा फेसबुक ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा।